Hello students, my name is Atul Kumar, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, B.V.D. I.T.M. Lucknow. In this lecture series, we are studying about transportation engineering. In today's lecture, we will study about highway planning in India. So in our last lecture we are studying about the Jaykar committee and its recommendation different types of organization and governing body which will promote and promote the construction of a road and its development in India such as Indian Road Congress Central Road Research Institute Highway Development Board etc so let's start the content for today's topics are highway planning surveys and highway planning in India highway planning service highway planning surface is it's include assessment of road plan मतलब कि हमारे जो एरिया है कोई एरिया है सपोज़ करिए कि हम अगर यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में जो एरिया है उसमें नंबर रोड लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट है उसका असेसमेंट करना किसका काम है हाईवे प्लानिंग फेज में हम इसका असेसमेंट करेंगे कि हमें उस एरिया के लिए कितनी रोड लेंथ होनी चाहिए इसका दूसरा उस रोड जब हम लेंथ निकाल लिए रोड का लेंथ निकाल लिए तो उसको हम उसमें एक मास्टर प्लान बनाते हैं मास्टर प्लान का मतलब होता है कि वो रोड कहाँ से पास करेगी कितनी थिकनेस होगी कितनी उसकी चौड़ाई होगी एक्सेट्रा और उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे प्राइमरी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे एक्सप्रेस वे एक्सेट्रा वाली कैटेगरी में इसमें जो इसका जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें होता है प्लानिंग सर्वे जो ये प्लानिंग का जो सर्वे होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है चार क्राइटेरिया पे सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टडीज़ दूसरा जो होता है वो फाइनेंशियल स्टडीज़ तीसरा जो होता है वो ट्रैफिक और रोड यूजर स्टडीज़ और लास्ट जो होता है वो होता इंजीनियरिंग स्टडीज़ मतलब जब हम जब भी किसी रोड की हम प्लान करेंगे ना तो रोड को प्लान करने के लिए हमें ये चार पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा किसी भी रोड को डिसाइड फाइनलाइज करने से पहले सबसे पहला इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक स्टडीज़ किसका जिस एरिया के लिए हम रोड बना रहे हैं जिस एरिया के लिए रोड बना रहे हैं उस एरिया की इकोनॉमिक स्टडीज़ दूसरा फाइनेंशियल स्टडी उस रोड का उस रोड से रिवेन्यू कितना जनरेट होगा या उस रोड में जैसे मार्केट प्लेस है तो मार्केट अगर मान लीजिए कि शहर के एक कोने को किसी दूसरे को मार्केट कोने के मार्केट प्लेस से कनेक्ट करना है तो पब्लिक एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह आएगी तो क्या होगा मॉनिट्री एक्सचेंज होगा मॉनिट्री एक्सचेंज होगा तो इसके इसका बेनिफिट किसको मिलेगा इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा तो फाइनेंशियल स्टडीज़ दूसरा फाइनेंशियल स्टडी में एक और आ जाएगा कि रोड बनाने में कितना पैसा लग रहा है नेक्स्ट आता है ट्रैफिक और रोड यूजर स्टडीज़ कि कितने ट्रैफिक होती है कितना व्हीकल उस रोड से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है लास्ट होता है इंजीनियरिंग स्टडीज़ कि वहाँ का सरफे ग्राउंड सॉइल का कंडीशन क्या है आ, आ, रास्ते में आने वाले में कोई ब्रिज है या कोई रिवर है एक्सेट्रा है कि नहीं है ये सारी स्टडीज़ हम लोग यहाँ बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टडीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टडीज़ में इकोनॉमिक स्टडीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है और उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सपोज़ करें कि टोटल 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 लखनऊ की अगर हम बात करें तो टोटल लखनऊ में पॉपुलेशन सपोज करते हैं कि वो वन लैख है तो ये वन लैख तो अलग अलग एरिया में है कुछ जो है वो गोमती नगर में रिसाइड कर रहे हैं कुछ जो है ये हजरतगंज वाले एरिया में हैं कुछ जो है वो आलमबाग में है तो अलग अलग एरिया में तो उस पॉपुलेशन ये जो पॉपुलेशन है टोटल वन लैक इस पॉपुलेशन का ये क्वांटिटी है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग अलग है गोमती में अलग पब्लिक अलग अमाउंट के पब्लिक रहते हैं हज़रतगंज में अलग रहते हैं आलमबाग में अलग रहते हैं तो अब जहाँ जहाँ पब्लिक है उस हिसाब से रोड बनाना पड़ेगा उस हिसाब से रोड की लेंथ होनी चाहिए दूसरा होता है कि इस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा इस या तो इस है इस यहाँ तो स्टडी ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या एवरेज ग्रोथ हो रहा है जैसा नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दूसरा इस एरिया में इन तीनों एरिया में की अगर हम बात करें तो इस एरिया में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसा है मतलब कि अगर सपोज़ करें तो फॉरन इंस्टांस हम बात करें गोमती नगर की बात करें तो गोमती नगर में में एग्रीकल्चरल ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में में हर साल कितनी प्रोडक्टिविटी है कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है या कितना खाने पीने की जो उपज है वो कितना हो रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है कि इंडस्ट्रियल कितनी इंडस्ट्री या कितना प्रोडक्ट यहाँ से मैनुफैक्चर हो रहा है इस हिसाब से क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री होगी जितना ज़्यादा मैनुफेक्चरिंग होगा उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें व्हीकल चाहिए जितना ज़्यादा व्हीकल होगा उस पर उस एरिया में जो पहले से रोड एग्जिस्ट अगर कर रहा है अगर उस एरिया में पहले से रोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रोड पे प्रेशर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को नई रोड बनानी पड़ेगी या अगर वो ऐसा एरिया गवर्नमेंट ऐसे एरिया में कंपनी है जहाँ रोड नहीं बना हुआ है तो अब उसे रोड बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है दूसरा होता है कि उस एरिया में पब्लिक का पर कैपिटा इनकम कितना है पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की एक दिन की कमाई कितनी है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम मतलब एक दिन एक, एक आदमी एक दिन में कितनी कमाई कर रहा है इसका क्या मतलब है इससे क्या रिलेशन आ रहा है इसका एक और रिलेशन है कि अगर कैपिटा ऑफ इनकम ज़्यादा है अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो पर्सनल व्हीकल वहाँ ज़्यादा यूज़ होगा अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो पर्सनल व्हीकल ज़्यादा यूज होगा अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज होने का मतलब है कि एक ही गाड़ी में नंबर ऑफ पीपल मतलब एक दो जगह से दूसरी जगह जा पा रहे ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या रोड पे, पे प्रेशर क्या है कम है रोड पे जो लोड है वो कम है लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो पर्सनल व्हीकल है पर्सनल व्हीकल है तो पब्लिक पर्सनली उसका यूज़ करेंगे जब पर्सनली उसका यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो कि लोड पे पे, रोड पे ज्यादा ही ट्रैफिक होगी और ज्यादा कंजेशन होगा तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इस बात के लिए भी पर कैटा इनकम की बात करेंगे दूसरी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टडीज की फाइनेंशियल स्टडीज में जो बात की जाती है वो सोर्स ऑफ इनकम कितना है सोर्स रोड ट्रांसपोर्ट से सोर्स ऑफ इनकम कितना आ रहा है उससे रिवेन्यू कितनी जनरेट हो पा रही है उससे रिवेन्यू कितनी जनरेट हो पा रही है दूसरी बात है कि लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ के आसपास की पब्लिक की बात मतलब एक तरह से ये बेसिकली बात कर रहे हैं फाइन पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं और दूसरी बात है कि उस एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ की क्या एक एक्सपेक्ट एक है फाइनेंसियल मतलब उस एरिया में इंडस्ट्री और आ रही है या वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होने वाला है आने वाले सालों में तो ये सब सारी स्टडीज किस में की जाती है फाइनेंशियल स्टडीज़ में की जाती है नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक और रोड यूजर स्टडीज ट्रैफिक रोड यूजर स्टडीज में आता है कि ट्रैफिकल वौ, ट्रैफिक वॉल्यूम इन व्हीकल पर डे मतलब कितना ट्रैफिक मतलब उस रोड पे कितनी ट्रैफिक है मतलब कितने व्हीकल एक दिन में पास करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है आगे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे इसी लेक्चर सीरीज में ऑरिजन डेस्टिनेशनज इसमें पता कर, पता किया जाता है कि उस एरिया में में ट्रैफिक का फ्लो का पैटर्न क्या है नेक्स्ट मास ट्रांसपोर्टेशन फायर फैसिलिटी मतलब कितने पब्लिक कितने अमाउंट ऑफ पब्लिक है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है जैसे कि मेट्रो यूज़ कर रहे हो गवर्नमेंट की बस यूज कर रहे हो ऑटो यूज रिक्शा यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा दूसरा कितना एक्सीडेंट प्रोन जोन है या एकदम नॉर्मल जोन है एक्सेट्रा की जो बातें हैं इसमें की, की जाती है दूसरा है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ पब्लिक की, की ट्रैफिक यूज की भी ग्रोथ पड़ेगी तो उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि अब ऐसा हम रोड बनाएं जो दो साल के बाद पता चला उस रोड में ट्रैफिक आ रही है ऐसा तब तो गलत हो गया ना कि अब गवर्नमेंट को फिर से अलग खर्चा करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम किसी भी रोड की प्लानिंग करते हैं हाईवे की प्लानिंग करती है उसमें अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टडीज़ की इंजीनियरिंग स्टडी में सबसे पहला आता है टोपोग्राफी सर्वे टोपोग्राफी सर्वे सर्वे में देखा जाता है कि वहाँ नदी है पहाड़ है प्लेन लैंड है कौन सा लैंड है क्या लैंड है इसकी स्टडी की जाती है टोपोग्राफी सर्वे सॉयल स्टडी में की जाती है कि वहाँ के सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है एक्सेट्रा ताकि हम उस पर रोड बनाएंगे तो रोड सक्सेस होगा कि नहीं होगा नीचे तो नहीं आ, द, फेल तो नहीं हो जाएगा दूसरा अभी जो रोड बना हुआ है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है कौन कौन सा रोड अभी बना हुआ है उस रोड का क्या एस्पेक्ट है क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं या द, उसको छोड़कर कोई दूसरे रोड पे ध्यान देना पड़ेगा एक्सेट्रा तीसरा जो एस्टिमेशन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ड्यू टू प्रपोज हाईवे जिस अगर हम हाईवे बना रहे हैं अगर हम सपोज करें कि हम हाईवे इस रोड से हाईवे निकाल रहे हैं तो इस हाईवे से आस के एरिया में डेवलपमेंट का क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है इसका भी ध्यान हमें इंजीनियरिंग स्टडी में ही करना पड़ता है दूसरा अगर हम रोड लाइफ रोड बना रहे हैं तो रोड की लाइफ कितनी है कितने दिनों के बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा दूसरी रोड का ड्रेनेज और उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आएगा ये सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग स्टडीज में ही डिस्कस कर लेते हैं तो हाईवे प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहला जो हाईवे प्लान हुआ था इंडिया में सबसे पहली बार जो हुई थी उसको हम लोग बोलते हैं नागपुर रोड प्लान इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है नागपुर रोड प्लान ये कब हुआ था यह हुआ था 1943 से 1963 में 1943 से 1963 में यह हुआ था इसके हिसाब से इसके हिसाब से रोड को क्लासिफाई किया गया था पांच टाइप में नोड रो, 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 रोड को क्लासिफाई की गई थी पांच टाइप में सबसे पहला टाइप तो था वो था नेशनल हाईवे दूसरा था स्टेट हाईवे तीसरा था एमडीआर, चौथा था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पांचवा था विलेज रोड मतलब नेशनल हाईवे की जो कॉन्सेप्ट आई थी वो सबसे पहले नागपुर रोड प्लान में ही आई थी यहाँ तक हाई एक्सप्रेस वे की बात नहीं की गई थी नेशनल हाईवे की बात नागपुर रोड प्लान में पहली बार हुई थी यानी कि अगर हम पांच जो मेन टाइप के रोड होते हैं वो सबसे पहले नागपुर रोड प्लान में डिस्कस हुआ था जो जो कि था नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको कि हम लोग एम बोलते हैं इसको हम लोग एम बोलते हैं इसको हम लोग ओ बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और इसको हम लोग बोलते हैं वी ठीक है दूसरा इसमें जो पैटर्न जो प्रीफर किया गया था रोड नेटवर्क बनाने के लिए वो पैटर्न प्रीफर किया गया था स्टार एंड ग्रिड रोड नेटवर्क स्टार एंड ग्रिड रोड नेटवर्क पैटर्न इसमें जो हमने जो टारगेट सेट किया था कि हमें इतनी रोड डेंसिटी चाहिए थी वो थी 16 किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए मिनिमम 16 किलोमीटर तो रोड हमें बनानी ही है ये टारगेट सेट किया गया था नागपुर रोड प्लान में दूसरा किया गया था कि डेवलप एंड एग्रीकल्चरल एरिया जो होगा उस जिस एरिया में रोड बन रहा है उस एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चरल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो रोड से आठ किलोमीटर की दूरी मेटल रोड मतलब पेव्ड रोड से मिनि मैक्सिमम आठ किलोमीटर की दूरी पे ही होगा मतलब कि इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था कि सपोज़ करिए कि आपने कहीं पर इंडस्ट्री अपना सेट कर रखा है उस इंडस्ट्री से जो आपकी रोड की डिस्टेंस होनी चाहिए जो हाईवे की डिस्टेंस होनी चाहिए थी वो मैक्सिमम आठ किलोमीटर होनी चाहिए थी ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें आठ किलोमीटर के रीच में ही हाईवे के आठ किलोमीटर के रीच में ही हमें इस हिसाब से रोड का नेटवर्क बनाना है कि कोई भी इंडस्ट्री आठ किलोमीटर के नेटवर्क रीच से बाहर ना हो दूसरा जो इसमें दूसरा जो इसमें रीच किया गया था वो था कि विलेज नेटवर्क के लिए विलेज के लिए दिया गया था कि फर्स्ट कैटे विलेज रोड को फर्स्ट कैटेगरी रोड में रखा जाए यानी कि ये इस रोड को कच्ची रोड नहीं एक पेव्ड रोड के रूप में बनाया जाए दूसरा इसमें लेंथ ऑफ़ रेलवे ट्रैक को भी इंक्लूड किया गया था इसमें लेंथ ऑफ़ रेलवे ट्रैक को भी यूज यूज़ किया गया था कि उस एरिया में पहले से रेलवे ट्रैक है या नहीं है इस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू तो नागपुर रोड प्लान अगर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे एंड एम डी आर को कंसिडर करें एन एच प्लस एस एच प्लस एम डी आर की अगर हम बात करें तो ये होता है इसका जो फॉर्मूला था वो था ए बाय एट ए अपॉन एट प्लस बी अपॉन थर्टी टू प्लस वन पॉइंट सिक्स एन प्लस एट टी प्लस डी माइनस आर अब इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या ए जो था वो था कि एग्रीकल्चरल एरिया कितना है ए का ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल एरिया कितना है बी स्टैंड फॉर कि नॉन एग्रीकल्चरल एरिया कितना है ये सभी चाहिए हमें किलोमीटर स्क्वायर में एन जो था वो पब्लिक कितनी है एन मतलब होता था, था कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ कितने टाउन्स एंड विलेज हैं जिसका पॉपुलेशन रेंज 2000 से पाँच से 5000 के बीच में है मतलब कि कितने शहर ऐसे हैं जिनका जो पॉपुलेशन रेंज है वो 2000 से 1000 2000 से 5000 के बीच में हो टी स्टैंड फोर कि कितने विलेज और या शहर ऐसे हैं जो कि जिसमें पॉपुलेशन पाँच हजार से ज्यादा हो जिसमें पॉपुलेशन पाँच हजार से ज्यादा हो डी जो था उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट अलाउवेंस डेवलपमेंट अलाउंस मतलब कि जो हमने कंसीडर किया था कि फ्यूचर में कितनी उसमें ट्रैफिक बढ़ेगी उसके लिए हम लोग डेवलप यानी कि पंद्रह परसेंट हमने उसमें डेवलपमेंट देवल्ग, अलाउंस लिया था और आर था लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक मतलब पहले से कोई रेलवे ट्रैक है या नहीं है उसको हमें माइनस करना था दूसरा लेंथ ऑफ ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए फार्मूला यूज़ किया गया था वो फार्मूला था जीरो पॉइंट थ्री टू वी प्लस जीरो पॉइंट प्लस वन पॉइंट सिक्स पी प्लस थ्री पॉइंट टू एस प्लस डी यहां पे जो डी था वो डेवलपमेंट था डेवलपमेंट 15 परसेंट वाला ये था 3.2 पॉइंट टू हेज नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज जिसमें पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए थी दो पाँच हजार दो हजार से पाँच हजार वन पॉइंट सिक्स पी का मतलब था कि पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए एक हजार से दो हजार यहाँ पर होनी चाहिए थी पाँच सौ से हजार और वी जो थी वो थी नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज जहां पे पॉपुलेशन रेंज कितनी होनी चाहिए थी पॉपुलेशन रेंज होनी चाहिए थी लेस देन पाँच सौ यानी कि अगर हम इस दोनों से फार्मूले का यूज़ करें इन दोनों फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे उस एरिया में टोटल लेंथ ऑफ एन एच एस एच और एम डी आर की लेंथ कितनी थी इसकी फॉर इसका इसको निकालने का फार्मूला क्या था इसका फार्मूला था ए बाई एट प्लस बी बाई थर्टी टू प्लस वन पॉइंट सिक्स एन प्लस एट्टी प्लस डी माइनस आर दूसरा तो क्या था ओडीआर एंड वी की लेंथ कितनी थी ओडीआर वी की लेंथ के लिए हमें फार्मूला यूज करना था जीरो पॉइंट थ्री टू वी प्लस जीरो पॉइंट एट क्यू प्लस वन पॉइंट सिक्स पी प्लस थ्री पॉइंट टू एस प्लस डी यानी कि इसमें वी क्या था नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन रेस देन 500 हंड्रेड क्यू क्या था नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 1000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड वन पॉइंट सिक्स पी का मतलब था कि नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ वन थाउजेंड टू टू थाउजेंड और S का मतलब था कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज इन द पॉपुलेशन रेंज ऑफ टू थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड डी क्या था डेवलपमेंट अलाउंस था पंद्रह परसेंट का दूसरा सेकंड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान की बात करें तो ये रोड प्लान प्लान जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1961 से 81 1981 में अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हमारे टारगेट होना चाहिए कंप्लीशन का टारगेट था नाइनटीन से सिक्सटी तो टारगेट होने से पहले ये स्टार्ट कैसे हो गया एक्चुअली हुआ क्या था कि उस टाइम में टारगेट से दो साल पहले ही इस जो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर ऑफ किलोमीटर की जो टारगेट थी वो हमने अचीव कर ली थी जब टारगेट अचीव कर लिया तो सेकेंड स्टेज हमने इनिशिएट कर दिया था सेकेंड स्टेज में क्या था कि उस ना नाम उस सेकेंड ट्वेंटी ईयर प्लान जिसको कि हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग का दूसरा नाम क्या है बॉम्बे रोड प्लान इसमें जो टारगेट सेट किया गया था अचीव करने था वो कितना था वो था थर्टी किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर और जो उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम ऐट किलोमीटर पे रखे थे कि इंडस्ट्री और जो डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया है वो मेटल रोड से एट किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए वहाँ पर हम लोगों ने कम करके कितना रख दिया था सिक्स पॉइंट फोर किलोमीटर पे मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी डेवलप्ड अग्रिक, एग्रीकल्चर एरिया हाईवे से या स्टेट हाईवे से सिक्स किलोमीटर के रेंज में ही रहे उससे ज़्यादा दूर हम अलाउ नहीं करेंगे दूसरा क्या है? हमने इसमें यूज़ किया था और कोई कैटेगरी की रोड है तो वो 2.4 किलोमीटर मतलब इंडस्ट्री से 2.4 किलोमीटर की रेंज में हो हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए हमने 6.4 का रखा था लेकिन अगर एमडीआर ओडीआर या वीआर की बात करें तो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर से ढाई किलोमीटर के रेंज ढाई किलोमीटर के आसपास की रेंज में हो ये किसके लिए था ये था डेवलप्ड एरिया के लिए अब हम सेमी डेवलप्ड एरिया की बात करें मतलब जहाँ पे हल्का हल्का इंडस्ट्री शुरू हो रहा था उसके लिए जो टारगेट रखा गया था वो था कि हाँ, स्टेट एंड हाईवे की स्टेट और नेशनल हाईवे की रीच जो उस लोकेशन से किसी भी लोकेशन से वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी 12.8 किलोमीटर होनी चाहिए थी फ्रॉम मेटल रोड यानी कि स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से और अदर कैटेगरी रोड की बात करें तो वो फोर किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए मैक्सिमम उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं फॉर अनडेवलप्ड एरिया जहाँ पे अभी कुछ नहीं भी है मतलब एकदम बहुत ही अंदर तक खेत है या बहुत ही इंटीरियर कोई विलेज था उस टाइम में तो उस टाइम में जो अनडेवलप्ड एरिया है उसकी जो रेंज थी वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से मैक्सिमम नाइनटीन किलोमीटर होनी चाहिए थी लेकिन अनमेटल रोड से यानी कि ओडीआर और वी से वो मैक्सिमम आठ किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए था आठ किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए था उसका टाउन हैविंग पॉपुलेशन जिसका पॉपुलेशन 2000 या प्लेन uh, में नॉर्मल स्टेट में प्लेन स्टेट में जैसे यूपी बिहार वाले स्टेट में अगर जिस पॉपुलेशन जिसमें पॉपुलेशन 2000 से ज्यादा हो या हिली एरिया में सेमी हिल्स एरिया में और हिल एरिया में जिस पर पॉपुलेशन 500 से ज्यादा हो वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होंगे वो एरिया मेटल रोड के साथ कनेक्ट होंगे इसमें लेंथ ऑफ ट्रैक जो था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था रेलवे को इंडिपेंडेंट रोड सिस्टम में हम लोग ने इंक्लूड कर दिया था या इस रोड सिस्टम में यानी कि रोड प्लान में हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था उसे हम रेलवे सिस्टम में ही इंक्लूड रखेंगे और इसमें जो डेवलपमेंट फैक्टर कंसीडर किया था 15 परसेंट की जगह पे 5 परसेंट कंसिडर किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोग ने पहले ही रोड बना रखा था और हमने इस बार टारगेट भी बढ़ा दिया था तो 15 परसेंट रखने का कोई दायित उचित, उचित बन नहीं रहा था इसलिए वहां पर उन्होंने फाइव ही फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान को रखा था यानी कि इसका जो मेन कंसिडर आप करें तो सबसे पहला था कि स्टार्ट कब हुआ था नाइनटीन टू एटी में किसके में टारगेट कितनी थी इसमें टारगेट थी थर्टी किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर इसमें जो डेवलप्ड एरिया मतलब जहाँ पे पहले से इंडस्ट्री हैं और एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे जो रोज मेटल रोड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो हो गई थी 6.4 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 8 किलोमीटर और सेमी अनडेवलप्ड एरिया और अदर रोड के लिए वो डिस्टेंस थी 2.4 किलोमीटर अगर सेमी डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी वो थी ट्वेल्व किलोमीटर फ्रॉम द मेटल रोड एंड फोर किलोमीटर फ्रॉम द कैटेगरी रोड अनडेवलप्ड एरिया यानी कि गांव वगैरह के लिए जो 19.2 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए थे मैक्सिमम फ्रॉम मेटल रोड और 8 किलोमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम अदर कैटेगरी रोड अगर कहीं कोई प्लेन शहर कोई ऐसा शहर जो कि प्लेन एरिया में स्थित है और वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रेटर दैन टू है तो वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होगा सेमी हिल एरिया में अगर पॉपुलेशन वन से ज़्यादा है तो वो मेटल रोड के साथ कनेक्ट होगा और हिली एरिया में जैसे कि हिमाचल प्रदेश या लद्दाख वगैरह सारे में जहाँ पे पॉपुलेशन पाँच से ज़्यादा है तो उस केस उस रोड को कनेक्ट करने के लिए हमें भी मेटल रोड की ज़रूरत पड़ेगी इसमें हमने जैसे नागपुर रोड प्लान में हमने डेवलपमेंट फंड में 15 परसेंट इंक्लूड किया था इसमें हम लोग ने 5 परसेंट ही इंक्लूड करना था और लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इसमें एक्सक्लूड करना था क्योंकि हमने माना कि रेलवे ट्रैक जो था वो इंडिपेंडेंट रोड सिस्टम इंडिपेंडेंट रेलवे सिस्टम में आएगा इसमें जो इसमें एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि इसमें हर रोड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले अलग अलग दिए गए थे जैसे अगर सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए फार्मूला यूज करना हो तो हमें ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि था ए बाई सिक्सटी फोर प्लस बी बाई एटी प्लस सी बाई नाइन्टी सिक्स प्लस थर्टी टू के प्लस एट एम प्लस डी इसमें ए जो था वो डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया बी जो था वो सेमी डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया सी जो था वो अनडेवलप्डल्चरल एरिया के जो थी वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओवर द रेंज ऑफ वन लैख एम जो था वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ वन लाख टू फिफ्टी थाउजेंड वहां पे पांच हजार तक मैक्सिमम गए थे यहाँ पे आप एक लाख ,00 से ज्यादा की बात क्योंकि बीस साल बीत भी चुके थे ठीक है एन जो थी वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड पी जो था उस टाइम में उसमें जो पॉपुलेशन रेंज थी वो ट्वेंटी थाउजेंड टू टेन थाउजेंड थी अगर हम स्टेट नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था ए बाई ट्वेंटी प्लस बी बाई ट्वेंटी फोर प्लस सी बाई थर्टी टू प्लस फोर्टी एट के प्लस ट्वेंटी फोर एम प्लस इलेवन पॉइंट टू एन प्लस वन पॉइंट सिक्स पी प्लस डी डी जो था वो डेवलपमेंट परसेंटेज था डेवलपमेंट इस केस में कितना ले रहे हैं हम लोग फाइव परसेंट ले रहे हैं बस गलती से 15 ना समझ लीजिएगा ये फाइव परसेंट ही था नागपुर रोड प्लान में लिया गया था उस के के टाइम में, तो में फॉर्मूला क्या था ए बाईट प्लस बीवाई सिक्सटीन प्लस सी वाई ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट के प्लस ट्वेंटी फोर एम प्लस इलेवन पॉइंट टू एन प्लस नाइन पॉइंट सिक्स पी प्लस सिक्स पॉइंट फोर क्यू प्लस टू पॉइंट फोर आर प्लस डी यहाँ पे जो के था वो पॉपुलेशन जब एक लाख से ज्यादा थी एम जो थी वो पॉपुलेशन रेंज एक लाख से पचास हजार में थी एन जो थी वो पॉपुलेशन रेंज पचास हजार से बीस हजार में थी पी जो थी वो पॉपुलेशन रेंज बीस हजार से दस हजार में थी क्यू जो थी वो पॉपुलेशन रेंज दस हजार से पाँच हजार की थी और आर जो थी वो पॉपुलेशन रेंज जो थी वो पांच हजार से दो हजार के बीच में थी दूसरी बात अगर वहीं पे अगर हम बात एन एच प्लस एस एच प्लस एमडीआर के साथ ओडिया को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तब जो फॉर्मूला यूज किया गया था वो फॉर्मूला थ्री ए बाई सिक्सटीन प्लस थ्री बी बाई थर्टी टू प्लस थी बाई सी एट के प्लस ट्वेंटी फोर एम प्लस इलेवन पॉइंट टू एन प्लस नाइन पॉइंट सिक्स पी प्लस ट्वेल्व पॉइंट एट क्यू प्लस फोर आर प्लस जीरो पॉइंट एट एस प्लस जीरो पॉइंट थ्री टू टी इसमें एस जो थी वो पॉपुलेशन रेंज दो हजार से एक हजार में थी और टी जो थी वो एक हजार से पांच सौ के रेंज में थी और अगर हम सेम में अगर हम विलेज रोड को इंक्लूड करते तब जो फॉर्मूला बन के आया था जो कि टोटल रोड उस एरिया में होता वो था ए बाई फोर प्लस बी बाई एट प्लस सी बाय टूवल्व प्लस फोर्टी एट के प्लस ट्वेंटी फोर एम प्लस इलेवन पॉइंट टू एन प्लस नाइन पॉइंट सिक्स पी प्लस ट्वेल्व पॉइंट एट क्यू प्लस फाइव पॉइंट नाइन आर प्लस वन पॉइंट सिक्स एक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फोर टी प्लस जीरो पॉइंट टू वी प्लस डी जिसमें कि जो वी थी वो थी पॉपुलेशन रेंज जहाँ पे 500 से कम हो यानी कि कम तो वहाँ पे पॉपुलेशन थी इसलिए वहाँ पे विलेज रोड इंक्लूड किया गया था बाकी आप देख सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी एक, एक लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी जहाँ पे के और एम का यूज किया गया वहाँ पे आप एन प्रोवाइड किए हैं या एस प्रोवाइड किए हैं ठीक है तो जैसे जैसे डिमांड या पॉपुलेशन रेंज बढ़ती है घटती गई है उस हिसाब से उस एरिया में रोड का जो स्टेटस था वो इंक्लूड या एक्सक्लूड किया गया था अब हम बात कर रहे हैं लास्ट रोड प्लान की जो कि डेवलप हुई थी इंडिया में वो थी थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड प्लान या इसको बोला जाता है ना लखनऊ रोड प्लान इसको बोला जाता है लखनऊ रोड प्लान इसमें इन्होंने जैसे नागपुर रोड प्लान में हमने रो रोड को पांच कैटेगरी में डिसाइड किया था पहली कैटेगरी उसमें हम लोग डिसाइड की थी हाईवे की दूसरी कैटेगरी स्टेट हाईवे की तीसरी कैटेगरी हमने डिसाइड किया था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड चौथी कैटेगरी डिसाइड की गई थी ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड और पाँचवीं जो कैटेगरी हम लोग ने डिसाइड किया था वो कैटेगरी थी विलेज रोड की लेकिन नागपुर रोड प्लान के हिसाब से हम लोग ने बस उन्हें तीन कैटेगरी में डिसाइड करना डिवाइड करना था पहली कैटेगरी थी प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी तीसरी टर्सियरी प्राइमरी में प्राइमरी की अगर हम बात करें अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में, में अगर फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी में अगर हम इसको फर्दर ही फर्दर अगर हम आप डिवाइड करना चाहते हैं तो प्राइमरी में तो प्राइमरी में आ जाती थी एनएच और एक्सप्रेस वे सेकेंडरी में बात करें तो यहाँ आ जाती थी स्टेट हाईवे एमडीआर एम और टर्सरी में आ जाती थी ओ और वी आर ये थी टर्सरी में जहां पे भी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है वहाँ पे ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्शन किया जाएगा कोई पक्की कोई भी कच्ची सड़क नहीं रहेगी जहाँ पे पॉपुलेशन 500 सौ ज़्यादा यहाँ पे जो रोड की डेंसिटी जो टारगेट की गई थी वो टारगेट की गई थी 82 किलोमीटर मतलब एक स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए रोड कितनी होनी चाहिए थी कम से कम फोर्टी एट्टी किलोमीटर होनी चाहिए थी लेंथ ऑफ एस और एम जो थी वो बेस्ड करती थी बोथ एरिया और पॉपुलेशन कितने हैं उस एरिया में विलेज और टाउन विथ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1500 शुड बी कनेक्टेड बाय एमडीआर जहां पे जहाँ भी 1500 से ज़्यादा जो भी विलेज या गांव या शहर में 1500 से ज़्यादा वो एमडीआर रोड के साथ कनेक्ट होगी जहाँ पे पॉपुलेशन हज़ार से 1500 के बीच में है वो ओ के कनेक्ट होगी रोड उस एरिया में भी बना जाए जहां पे कम इंडस्ट्री अभी तक क्या था कि जहां पे पहले से इंडस्ट्री थी उस एरिया की रोड हमें इंप्रूव करनी थी लेकिन जैसे जैसे इंडिया आगे डेवलप होता गया इंडस्ट्री आती गई इंडिया में तो अभी उस एरिया को भी उस एरिया में भी रोड रोड कंस्ट्रक्ट करवाना था जहां पर इंडस्ट्री कम थी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हम वहां अट्रैक्ट कर सके उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर सके इसमें अगर हम लेंथ ऑफ रोड की बात करें फ्रॉम लखनऊ रोड प्लान तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ लोड जो निकलती है वो निकलती है फोर पॉइंट सेवन फोर इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो लेंथ ऑफ एन एच की अगर हम बात करें तो एरिया अपॉन फिफ्टी होता है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन फिफ्टी अगर एस एच की बात करें तो एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव और लेंथ ऑफ एसएच एच की होता है 65 फाइव नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ एनएच मतलब 62.5 टू नंबर ऑफ टाउंस माइनस लेंथ हम एस कर देंगे तो यहाँ से एक और एस की बारी आएगी लेकिन एस होगा ओरिजिनली में इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही हमारा स्टेट हाईवे का डिस्टेंस होगा नेक्स्ट जो होता है लेंथ ऑफ एमडीआर की हम बात करें तो लेंथ ऑफ एमडीआर होती थी वो होती थी एरिया अपॉन 12.5 एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 12.5 और लेंथ ऑफ एमडीआर होती थी 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन ये भी होता था इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा मैक्सिमम इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हमारी एम की वैल्यू होगी ठीक है तो आज की लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था लग, सबसे पहले पढ़ा था कि हाईवे प्लानिंग कैसे की जाती है हाईवे प्लानिंग डिपेंड करती है पांच चीज़ों पे सबसे पहला इकोनॉमिक स्टडीज़ दूसरा फाइनेंशियल फिर ट्रैफिक स्टडीज़ फिर उसमें आती थी पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडीज उसके बाद हम लोग ने बात किया था हाईवे प्लानिंग इन इंडिया हाईवे प्लानिंग इन इंडिया में हम बात करेंगे सबसे पहले बात की गई थी नागपुर रोड प्लान जो कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन से नाइनटीन में हुई थी इसमें टारगेट रखा गया था कि 16 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हम रोड कंस्ट्रक्ट करवाएंगे दूसरी हम बात करेंगे बॉम्बे रोड प्लान जो कि 1961 से 1981 में हुई थी इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था थर्टी किलोमीटर पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर जो लास्ट रोड प्लान हुई थी वो हुई थी नाइनटीन से टू के लिए जो कि थी लखनऊ रोड प्लान सॉरी 1981 से 2001 थाउजेंड के लिए और यहाँ इस रोड प्लान का नाम दिया गया था लखनऊ रोड प्लान इसमें जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट डिसाइड किया था कि 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में नागपुर रोड प्लान में हम लोगों ने रेलवे को रोड प्लान में ही कंसिडर कर लिया गया था लेकिन बॉम्बे रोड प्लान में हमने रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया था कि रेलवे को हमने इंडिपेंडेंट नेटवर्क सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिया था सिमिलरली लखनऊ रोड प्लान में भी हम लोगों ने रेलवे को कंसिडर नहीं किया गया था लखनऊ रोड प्लान में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने की थी कि जिस एरिया रोड नहीं बना हुआ था जिस जहां पे कम इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री थी वहां पे भी हमें रोड कंस्ट्रक्ट था ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री एक्ट्रेक्ट कर सके ओके थैंक यू